नमस्कार दोस्तों, एग्जाम जॉब अलर्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। अगर इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि वीडियो शेयर करने से हो सकता है किसी को बहुत बड़ी अपडेट, किसी को बहुत बड़ी खुशखबरी मिल जाए, जो कि हरियाणा फैमिली आईडी परिवार फैमिली आईडी में जो PPP परिवार पहचान पत्र में बहुत बड़ी अपडेट आई है। इनकम वेरिफिकेशन इनकम करने के सही करने के नए 4 आदेश जारी हुए हैं। कौन कौन से आदेश जारी हुई है, कैसे आप इनकम अपनी सही करवा सकते हो जिनकी इनकम बिगड़ी हुई है, तो किस तरह बिगड़ी हुई है इन्होंने कि आपकी फैमिली इनकम में खेला, मतलब आपका जो नुकसान हुआ कैसे हुआ है, पूरी पूरी शेयर करेंगे। कोई भी वीडियो स्किप ना करें, वीडियो स्किप करते इन्फॉर्मेशन मिस हो जाएगी। ठीक है जी, ये देख सकते हो, डोर टू डोर जाने की बजाय मोबाइल कॉल पर इनकम वेरिफिकेशन कर रहे कर्मी, फिर गड़बड़ी की आशंका। अब मोबाइल फ़ोन पर इनकम वेरिफिकेशन कर रहे हैं जी, डोर टू डोर नहीं जा रहे, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर दिए हैं डोर टू डोर जाने का। ठीक है, ADC ऑफिस की लिस्ट में नाम नहीं, फिर भी बन रहे राशन कार्ड। लोगों की शिकायतें आने के बाद भी कर्मी गंभीर नहीं हुए, यानी कि अभी भी कोई इनका वो कह लेना भी क्लियर नहीं है, अभी ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं। परिवार पहचान पत्र में इनकम अधिक दर्ज होने से परेशान लोगों की समस्याओं के समाधान की कोई गुंजाइश नहीं, अभी भी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि वेरिफिकेशन का निगम संबंधित कर्मचारी डोर टू डोर जाकर फिजिकल करने की बजाय मोबाइल पर कॉल करके ही कर रहे हैं। ऐसे में फिर से गड़बड़ी का होने से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। इसका फायदा साधन संपन्न लोग उठा रहे हैं, जिनके पास मतलब सब कुछ है, कहले मालधन है पूरा, उनके पास कोठी कार भी है, मतलब जिनके पास सब कुछ है वो फायदा उठा रहे हैं जिसका। वह अपनी इनकम कम बता रहे हैं, इससे पात्र लोगों को नुकसान हो रहा है। इस सारी गलत फहमी में, गफलत में जरूरतमंद लोगों के नाम चिरायु योजना व राशन कार्ड की लिस्ट से भी बाहर हो गए हैं। लेकिन जिले में कई लोगों की इनकम ज़्यादा दिखाई गई, लोगों के ADC कार्यालय व प्रशासन पोर्टल पर ग्रीवेंस भी अपनी अपनी आपत्ति दर्ज करवा रहे हैं, लेकिन उसका कोई लाभ होता नजर नहीं आ रहा। इन लोगों की ड्यूटियां प्रशासन द्वारा लोकल कमेटी व सेक्टर कमेटी की ड्यूटियां लगाई गई हैं। दोनों में पांच पांच कर्मी लगे होते हैं, लोकल में आसपास इलाकों के कर्मी होते हैं, और सेक्टर कमेटी गलत बनाई है इनकम को ठीक करती है, जो बनाई है जिसमें एक CSC ऑपरेटर, सरकार प्रतिनिधि, सोशल वर्कर, एक स्टूडेंट, एक सक्षम युवा व एक टीचर, लेकिन कोई भी मौके पर जाता नहीं है, सिर्फ फोन पर ही अपना फोन आता है और वह कागज लेकर ऑफिसर में आ जाए और उनके कहने पर इनकम वेरिफिकेशन कर दी जाएगी। बस ये फोन पर किया जा रहा है, क्यों ये देख सकते हो, यह किसे हुआ है नुकसान, जिन लोगों का नुकसान हुआ। रेडी बनाने वाला कहता है जी मेरी 2.5 लाख इनकम वेरीफाई कर दी है, घर में कमाने वाला कोई नहीं है, 90,000 इनकम फिर भी वेरीफाई है, अकेली मैं हूँ। शिव चौक निवासी कृष्णा देवी ने बताया भी उसकी 2 बेटियाँ और बेटे हैं, और दोनों बेटे अलग रहते हैं, दोनों बेटियों की शादी हो गई है, पति का देहांत हो गया, घर में अकेली हूँ, फिर भी मेरा कोई राशन कार्ड कोई चिरायु कार्ड नहीं बना। और टीचरों को मौके पर जाकर वेरिफिकेशन के आदेश दिए हैं DO दयानंद सिहाग ने, बट अभी भी इसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ी की जा रही है। ये देख सकते हो, इसमें अभी भी उम्मीद है भी गलत होंगे, क्योंकि जो रेडी लगाता है राशन कार्ड नहीं बना उसका, घरों में कोई कमाने वाला नहीं है, 2-2 लाख इनकम, 90,000 इनकम वेरीफाई हो चुकी है, और इनकम वेरीफाइड नहीं है फिर भी बने राशन कार्ड, शहर में कोठी वालों के राशन कार्ड बने हैं। इस बारे में जब ADC कार्यालय ऑफिस में के संदीप कुमार को बताया गया तो उन्होंने लिस्ट में नाम देखा, जबकि लिस्ट में उन लोगों का नाम ही नहीं है, फिर भी उनका राशन कार्ड बना हुआ है। इस पर संदीप ने बताया कि लिस्ट में नाम नहीं दिखा रहा तो इनकम वेरीफाई नहीं हुई, तो इनकम वेरीफाई के बिना भाई साहब कैसे उनका राशन कार्ड बन गया, ये सबसे बड़ा घोटाला किया जा रहा है इनकम के नाम पर, वेरिफिकेशन के नाम पर। ये देख सकते हो, क्योंकि कॉल पर इनकम वेरीफाई की जा रही है, जो बंदों के पास सब कुछ है, कह लें लग्जरी कारें हैं, लग्जरी मकान है, सब कुछ लग्जरी है, वो राशन कार्ड बनवा रहे हैं, वो चिरायु कार्ड बनवा रहे हैं, और जिनके पास कुछ भी नहीं है, जो फैसिलिटी गरीब को मिलनी चाहिए वो अमीर ले रहे हैं जी। ठीक है जी, और ये सबसे बड़ा घोटाला है। अब इनकम अपनी कंप्लीटली उस हिसाब से बताइए, अगर आपको भी कोई कॉल आ जाए। ठीक है जी, ये आपके लिए बहुत बड़ी इनकम लेके इन्फॉर्मेशन लेके हैं, जो कि अभी सरकार ने
इनके साथ इनके अलग अलग पांच पांच कर्मियों की लोकल कमेटी की लगाई थी, एक प्रतिनिधि, एक एस सी एस सी ऑपरेटर, एक सरकार प्रतिनिधि सोशल वर्कर, एक स्टूडेंट, एक सक्षम युवा टीचर की ड्यूटी लगाई थी इसमें वेरिफिकेशन में, बट कोई भी काम पर नहीं जा रहा। ऑफिशियली मोड पर डोर टू डोर जा नहीं जा रहे, डोर टू डोर जाने की बजाय फ़ोन से ही अपनी इनकम वेरिफिकेशन कर रहे हैं सभी की। इसमें हर सभी का नुकसान हो रहा है जी, ठीक है जी। और ये उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत अपडेट, बहुत बिग है। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। अगर चैनल पर नए पहले से जुड़े हुए हो तो अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी लाइक शेयर जरूर कीजिए। शेयर करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला बढ़ता है। शेयर करते हो तो जैसे जैसे व्यूवर आते हैं हमें और भी इंक्रीमेंट मिलती है, भी हम आपके लिए और भी अप टू डेट इन्फॉर्मेशन रख सकें। उम्मीद करते हैं आप हमारा सहयोग करोगे। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो ऐसी हम कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच।